हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने संसद के बारे में पढ़ा था और जो है उसके जो तीन अंग होते हैं उसमें से राज्यसभा और लोकसभा जो उसके दो अंग हैं, ये क्या हैं उसके, ये उसके दो हाउस हैं, सॉरी, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा उसके दो हाउस हैं, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, जिसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ठीक है, संसद को जो है क्या कहते हैं, पार्लियामेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रपति, ठीक है, वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, वो कौन हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसे याद रखिएगा, जिन्होंने 25 जुलाई को जो है अपने पद ग्रहण का शपथ लिया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति जो है भारत का सर्वोच्च कार्यपालक अधिकारी होता है। ठीक है, और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और औपचारिक प्रमुख होता है, संघीय प्रमुख होता है, संवैधानिक एवं विधिक प्रमुख होता है। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट किया गया है, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च कार्यपालक अधिकारी होता है, प्रथम नागरिक होता है, औपचारिक प्रमुख होता है, संघीय प्रमुख होता है और संवैधानिक एवं विधिक प्रमुख होता है। ठीक है, कोई भी बिल या विधेयक जो है तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्र, ये जो है राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है ये कहाँ का है, राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, तो उसका निर्माण आरंभ कब हुआ था, राष्ट्रपति भवन का जो है 1912 में हुआ था। ठीक है, और निर्माण पूर्ण कब हुआ, ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ, 1929 में, इसे याद रखिएगा। और किस स्थान पर बनाया गया है राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली रायसेना हिल्स। ठीक है, संसद भवन भी जो है रायसेना हिल्स जनपद रोड में है, जो मैंने आपको संसद वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, मुख्य शिल्पकार कौन है, देखिए एडविन लैंडसीर लुटियंस। ठीक है, और देखिए प्रमुख इंजीनियर, प्रमुख इंजीनियर कौन है, हग किलिंग। ठीक है, इसके जो प्रमुख इंजीनियर थे वो थे हग किलिंग। ठीक है, और राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण हुआ उसमें कुल कितने राशि से निर्माण हुआ है, देखिए 1,40,00,000। ठीक है, यहाँ पे है, देखिए 1,40,00,000। कुल क्षेत्रफल कितना है, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है 2,00,000 वर्ग फुट। ठीक है, उसका कुल क्षेत्रफल 2,00,000 वर्ग फुट है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति जो भवन है उसमें कुल कितने कमरे हैं, 340 कमरे। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति भवन को जो है देश को समर्पित कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ भी याद रखिएगा। और ये देखिए, ये जो है राष्ट्रपति भवन का हमारा जो चित्र है, देखिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रपति, मैंने पहले ही आपको बताया, प्रथम नागरिक कहलाता है, संवैधानिक प्रधान होता है, और राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। ठीक है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी कार्य है, जितने भी वो संसद में जो भी हमें कार्य करना रहता है उसे जो है प्रधानमंत्री जो है उसे निश्चित करता है, और जब वो निश्चित होता है, वो सोचता है, तब उसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जब मिलता है तब वो जो है कानून बनता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है, और कार्यपालिका औपचारिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 52। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में इसका प्रावधान है। ठीक है, कहा गया है। और ये जो है राष्ट्रपति जो है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 53 देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, संघ की जो है कार्यपालिका जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, और ये दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष। ठीक है, अब हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उससे संबंधित प्रावधान दिया गया है, कौन कराता है? चुनाव आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है, और कौन करता है? निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल में देखिए संसद से जो है लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, दोनों आते हैं, उसके जो दोनों हाउस के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, और विधानमंडल से देखिए विधानसभा, विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग नहीं लेते। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन कौन कौन सदस्य लेते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्यों तथा केंद्रों शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और इसमें जो है 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भाग नहीं लेते राज्यसभा से, और जो दो एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा के वो भी जो है भाग नहीं लेते, और उसे जो है 104 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है उस एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, उसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है, 54 में निर्वाचन जो कौन कराता है? निर्वाचक मंडल कराता है। ठीक है, चुनाव आयोग कराता है उसे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति देखिए किस रीति से होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसका मतलब है ये एक हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर खड़े हुए हैं, ये हैं एक और ये हैं। ठीक है, अब इनको वोट डालने के लिए वरीयता के क्रम पर देखिए, अगर एक किसी ने ए है, ठीक है, ये ए है, तो अगर ये वोट देंगे तो ये कैसे वोट देंगे? ये एक ही को वोट नहीं देंगे, ये वोट देंगे या तो ये, जब ये चाहते हैं कि ये पहले राष्ट्रपति बने तो इन्हें एक करेंगे, और दूसरे नंबर पे अगर इन्हें अच्छा लगता है तो इन्हें दो देंगे, और तीसरे नंबर पे अगर है इसे अच्छा लगता है तो ये देंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है जितने भी सदस्य हैं ऐसे वोट करते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया फिर से एक, यहाँ पर आ गया दो, यहाँ पर आ गया तीन, यहाँ पर आ गया एक, तो और यहाँ पर आ गया एक, तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? ये बनेंगे। ठीक है, तो वरीयता के क्रम के आधार पर जो है राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है, उसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने, अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। ठीक है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जब वो अपने पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अनुच्छेद 57। देखिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अगर राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रपति जो दो बार राष्ट्रपति बने वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा समय तक यही जो है राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 58 पद की योग्यता। ठीक है, पद की योग्यता देखिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, ये जो है लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, अलाभ के पद पर ना हो। और यहाँ पर देखिए निर्वाचक मंडल, अगर निर्वाचक मंडल, ठीक है, राष्ट्रपति के पद में जो है अगर वो निर्वाचित होना चाहते हैं तो उनको जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो है साइन करके पेपर में देंगे, तभी जो है वो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ठीक है, शर्तें क्या है? 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी, दूसरा है पागल ना हो, और तीसरा है दिवालिया ना हो। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो है कौन कराता है? उसका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और उनकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और अगर वो अनुपस्थित है तो
वरिष्ठ न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया ये राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किया जाता है। तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के लिए वो स्थिति नहीं आई। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों चलाया जाता है? तो जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, ठीक है, विदेशी राष्ट्र जैसे अमेरिका के अगर प्रभाव में आ जाते हैं और वहाँ की रीति को अपनाते हैं तो उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और संविधान का अतिक्रमण करने पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा हटाने के लिए कुछ प्रक्रिया भी होती है, तो उसे हम देखते हैं आगे। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये देखिए, यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा, अगर लोकसभा चाहे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो लोकसभा भी पहले कर सकता है और राज्यसभा भी, दोनों सदन को ये अधिकार है। ठीक है, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को, ठीक है, अगर आप किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाना चाहते हैं तो उन्हें जो है आपको 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, ये है आपका सदन और ये जो है 4 भागों में आप बांट दीजिए, तो ये जो है ये 1/4 है, ये 1 है, तो इसमें जो है 1/4 भाग जो है जो सदस्य है उनके हस्ताक्षर जो है आपको लेने पड़ेंगे, ये अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित होगा उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हों। ठीक है, जिस भी सदन द्वारा ये चलाया जाएगा उसके 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हों। ठीक है, और उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, दोनों सदन, देखिए राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो जो भी सदन उस प्रक्रिया को चलाएगा, जैसे लोकसभा है, अगर उस प्रक्रिया को चलाना चाहता है तो उसको जो है अपने 2/3 सदस्य जो है उस पर बहुमत उसको प्राप्त करना होगा, और अगर राज्यसभा से भी बहुमत प्राप्त होता है तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है राष्ट्रपति के कार्यों को देखेंगे। ठीक है, उनके जो भी कार्य हैं, उनके जो भी अधिकार हैं, शक्तियाँ हैं, उनको हम पढ़ेंगे, क्योंकि उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको जो हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।